टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। अपराधियों के पीछे पड़ी स्पेशल टास्क फोर्स और बिहार पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा निवासी कुख्यात अपराधी बमबम महतो को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या समेत 27 मामलों के आरोपी बमबम महतो की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने इसके पास से 315 बोर का एक राइफल, एक देसी पिस्तौल और 10 गोली बरामद किया है। सोमवार की शाम कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि बमबम के साथ दो साथी समसा निवासी लेटन महतो तथा वीरपुर निवासी लल्लन महतो को भी गिरफ्तार किया गया है। 22 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि जिले का कुख्यात अपराधी बमबम महतो समसा नावकोठी का रहने वाला है, वो अवैध अग्नियास्त्र के साथ वहां पर सायपुर कमाल में इकट्ठा हुआ है। इसके सूचना के सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष सायपुर कमाल, थानाध्यक्ष रिफाइनरी ओपी चिता बल और एसटीएफ पटना की टीम को शामिल किया गया। इस दल ने छापेमारी करके सायपुर कमाल के छर्रापट्टी जहाज घाट से बमबम महतो को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध अग्नियास्त्र वहाँ से बरामद हुआ। बमबम महतो से जब पूछताछ की गई तो उसने अभी हाल फिलहाल जो हत्या की घटनाएं हुई हैं, जिसमें प्रमुख घटना एक 31 जनवरी को हुई थी, समसा के मुखिया हेमा मौर्य की हत्या किया गया था, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और दूसरी घटना जो 30 मई को हुआ था, जिसमें मसूदन महतो और उनकी पत्नी को गोली लगी थी, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त बमबम महतो पे पहले से भी 27 केसेस ऑलरेडी हैं जो गंभीर नेचर के हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी, डकैती और आम सड़क के केसेस शामिल हैं। इन सब केसेस में वो पहले से अपराधी रहा है। जिन केसेस में उसको जमानत मिली है उसका बेल कैंसिलेशन का हम लोग आगे प्रस्ताव भेजेंगे। और पूछताछ के बाद इनके द्वारा नावकोठी में ही समसा क्षेत्र में अपने अवैध अग्नियास्त्र रखने की बात बताई गई, जिसका सत्यापन और बरामदगी के लिए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें परिहारा, नीमाचंदपुरा, नावकोठी और बकरी के थानेदार शामिल थे। उस टीम ने छापेमारी करके वहाँ से 315 बोर का राइफल बरामद किया और साथ साथ जो हेमा मौर्य की हत्या में लाइनर की भूमिका में दो व्यक्ति थे, लेटन महतो और ललन महतो, इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिला के इसके दोनों जगह रेड से हम लोग को 315 बोर का एक राइफल, एक मस्केट, एक देसी कट्टा, 10 कारतूस, 4 मोबाइल बरामद हुआ है। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बमबम महतो अभी जिले में सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अभी बेगूसराय जिले में वही था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया जा चुका था। इसके विरुद्ध आगे जो PMLA के प्रस्ताव के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो इसकी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति अपराध के द्वारा, उसका पता हम लोग लगा रहे हैं। उसका पता चलने पर हम लोग PMLA का प्रस्ताव भी समर्पित करेंगे।